मैं राहुल कुमार यादव, मैंने IMTC MBA किया है और ओवर 3 ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है। इसी दौरान हमारी मुलाकात मिस्टर संतोष झा सर से हुई है, जो भाग्यशिला माइंड एकेडमी के को फाउंडर हैं और वो काफी हद तक कई सेक्टर में काम किए हुए हैं, जैसे गूगल में भी आज बिहार के मार्केटिंग हेड रह चुके थे, लेकिन अभी वो माइंड एक्टिवेशन पे वर्क कर रहे हैं। भाग्यशिला माइंड एकेडमी बेसिकली ब्रेन मैपिंग के साथ साथ लाइफ के 3 अलग अलग पहलुओं पे कंसंट्रेट करती है, जहां बच्चों को और एंटरप्रेन्योर को स्किल्ड करती है, पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल। मैंने वहां से माइंड मैपिंग करवाया था, जिसके बाद मुझे ये पता चला कि हमारे पास इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि इस क्वालिटी को हम कैसे नर्चर करेंगे और अपने आप को किस फील्ड में हमें उतारना चाहिए जहां हम ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये गाइड किए थे कि इसके लिए हमें अपने कैरेक्टर को कैसे बिल्डअप करना है और अपने आप को डेली एक्टिविटी कैसा होना चाहिए, सो डेट कि मैं मेंटली और इमोशनली ब्लैंक नहीं हूं, बल्कि मैं अपने इनहेरेंट क्वालिटी के साथ जस्टिफाई करूं। मैंने 6 महीना तक मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो मैंने एक पैरामीटर डिजाइन किया था अकॉर्डिंग टू माई सोशल इन्वायरमेंट, उसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज रिजल्ट पॉजिटिव हो रहा है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि 100% पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन चीजें टर्न अप हो रही है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में चीजें हमारे फेवर में हो जाएगी, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं काफी हद तक भाग्यशिला माइंड एकेडमी और कंसल्टेंट को जाता है। और मैं डॉक्टर संतोष भारद्वाज सर को काफी दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपने आप को नर्चर करने के रास्ते बताए और साथ में मुझे कुछ दिनों तक ट्रेनिंग के साथ साथ गाइड किए। थैंक यू। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी सर, ये बताइए कि आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी एजुकेशन अच्छा ले चुके हैं और साथ साथ कॉर्पोरेट में काम भी कर चुके हैं, तो आपके लिए इतना बेनिफिट है, लेकिन आपको टर्न करना पड़ रहा है। देखिए, मैंने लाइफ में काफी हद तक आगे चला जा चुका था, जी जी जी, लेकिन वो मेरा डेस्टिनेशन नहीं था। बिल्कुल। और डेस्टिनेशन नहीं था, उसकी वजह से हैप्पीनेस तो था लेकिन लाइफ जॉयस नहीं हो पा रहा था, और वो जॉयस न होने की वजह से वो हैप्पीनेस भी धीरे धीरे कम हो रही थी। आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट वॉज गोइंग ऑन। बट जब मैंने संतोष सर से मिला, तो वो जब मुझे काउंसिलिंग किए और मेरी ब्रेन मैपिंग हुई और जो रास्ता मुझे बताया, डेफिनेटली अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इवन देन आई एम हैप्पी, आई एम जॉयस इन दैट स्ट्रगल। तो कहने का अर्थ है कि यदि डायरेक्शन सही होता है तो स्ट्रगल में भी जॉयस है, और डायरेक्शन ठीक नहीं होता है तो जहां पैसा है, प्रोस्पेरिटी दिखता है, इवन देन जॉयस नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। एक्चुअली में आपका संघर्ष इसलिए होगा क्योंकि आप बहुत आगे जा चुके थे, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये कब हो जाना चाहिए बच्चों का ब्रेन मैपिंग? दिस इज राइट वन क्वेश्चन। ये पहले होना चाहिए था, ये होना चाहिए था जब बच्चा क्लास 1-2 में आना स्टार्ट करे, और मेरे हिसाब से तो केजी नर्सरी के बच्चे को ब्रेन मैपिंग किया जाए, तो उसके मैं जहां तक सर को समझ पाया हूं कि माइंड एक्टिवेशन जो एक कोर्स है उनका, तो उससे माइंड भी एक्टिवेट होगा, थर्ड आई, दूसरा उसका बचपन से ही कैरेक्टर बिल्डअप पे काम होगा, उसके इंट्रिंसिक क्वालिटी के अनुसार से काम होगा, और उसको मोल्ड भी आसानी से किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि 5-6 साल तक में हो जाना चाहिए, द बेस्ट टाइम। उस बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, उसका करियर काउंसलिंग भी हो जाएगा, उसका कैरेक्टर भी, और एक अच्छा सिटीजन बनेगा। माँ बाप जो बच्चे में फ्यूचर देखते हैं, जो बच्चे के जिस काम के लिए माँ बाप पूरी जिंदगी पैसा लगाते हैं और उसे एंड तक पता नहीं चलता कि आखिर बच्चा को करना क्या चाहिए था, वो पहले ही हो जाएगा। चलो मैं लकी था, मुझे संतोष सर मिल गए, लेकिन हर आदमी तो इतना लकी है ना। तो मार्केट में हमें लगता है कि सर को समझने के लिए सर को मार्केट मानना अति आवश्यक है। चलिए, आज की डेट में एज ए फादर आप भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है या पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उनको उनके बच्चे के विषय में पता चल जाएगा, तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक कहावत है, ज्ञान सबके लिए आवश्यक है और उसका कोई एज नहीं होता। उदाहरण, बच्चे के विषय में अगर माता पिता को पता चल जाता है तो। हाँ, देखिए उदाहरण, मुझे मैं 33 ईयर में समझा उस चीज को, और यदि
पहले मिल जाता है तो बच्चे के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि बच्चे के सारी एबिलिटी हमें पता चलेगा। माँ बाप के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें सिर्फ करियर काउंसलिंग तो है नहीं, बच्चे का भी काउंसलिंग है, ओवरऑल पर्सनालिटी को डिस्कवर करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यदि माँ बाप अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं तो उसको बच्चे के जो नॉटी माइंड है उसको समझने में बहुत आसानी होगी, उसको डायरेक्ट करने में। वो बच्चे को कहते हैं ना कि नदी के पानी में बहुत अधिक धारा है और यदि उसको डायरेक्शन न दिया जाए तो गांव का गांव तबाह हो जाता है, लेकिन यदि उसको डायरेक्शन दिया तो गांव का गांव आबाद हो जाएगा। तो बच्चे का जिंदगी भी आबाद, अपना परिवार भी आबाद, तो ये तो अति उत्तम, सोने पे सुहागा इसे आप कह सकते हैं। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, देखिए सुकरात जी का ज्ञान।